तो उनके रूल्स वगैरह को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम उसको रेड जोन बोल सकते हैं बीजिंग का, चाइना का। आज बीजिंग में मुझे चौथा दिन है और हम जा रहे हैं माओ ज़ेडुंग मेमोरियल हॉल में। अभी सुबह के 7:45 हमें वहाँ पे 9:45 पहुँचना है, तो 1 घंटे में इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी हमने साइकिलें यहाँ पे खोली है, साइकिलों पे जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ मेट्रो स्टेशन हमें जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, तो फिर पैदल जाना पड़ता है या फिर साइकिल वगैरह खोल के फिर जाना पड़ता है। आज फर्स्ट टाइम है बीजिंग में, उतना जल्दी उठे हैं और जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि इसकी टाइमिंग ऐसी है कि वो 12 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करते। और यहाँ की जो रजिस्ट्रेशन है, जो बुकिंग है, वो हमने ऑनलाइन की थी, अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो वो अंदर अलाउ नहीं करते। तो मैं हूँ अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाता हूँ, शेयर करता हूँ, उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो अगर आपने बीजिंग की दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, उसके अलग से प्लेलिस्ट है, तो उसमें काफ़ी जो है ना वीडियोस मैंने बनाई है बीजिंग के हवाले से, तो आप वो जाके देख सकते हो। तो अभी हम मेट्रो स्टेशन के पास पहुंच गए हैं, अभी साइकिल को मैं लॉक करूंगा। ठीक है, ये सामने मेट्रो स्टेशन है, हम जा रहे हैं वहाँ पर। ये मैं दूसरी दफ़ा जा रहा हूँ माओ ज़ेडुंग मेमोरियल हॉल पर। तो ये है बीजिंग लाइन 1 का स्टॉप, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना पुराना है ये। ये फर्स्ट लाइन थी बीजिंग की, बीजिंग मेट्रो की, जो उस टाइम पे बनी थी। ये बहुत पुरानी लाइन है, बाकी तो सारी अभी नई बनी है, मतलब कि आस्ता आस्ता बनती है। मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये लोग जो ज़्यादातर मैंने जो देखा है वो 1 साल में 1 लाइन को मुकम्मल करते हैं ये लोग, और बाकी जो लाइनें होती हैं उसमें ये पूरा जो है ना बंद होता है। ठीक है, लेकिन इस लाइन में ये यहाँ पर हाफ तक है, पूरा बंद नहीं है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 स्टॉप उन्होंने बंद किए हुए मेट्रो के, हमें थियानानमन डोंग पे जाना है ईस्ट पे, तो यहाँ पे ये बंद किया हुआ है, काफ़ी रश की वजह से, क्योंकि ये मेन जगह है, तो उस वजह से इन्होंने ये स्टॉप बंद किया हुआ है। जब भी रश होती है इस तरह की जो है वो फेस्टिवल वगैरह होते हैं, तो कुछ स्टॉप जो है ना ये मेन स्टॉप वो बंद कर देते हैं ज़्यादा पब्लिक की वजह से। तो अभी हमें जो है वो वांगफू चिंग पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे कल रात वांगफू चिंग, तो जैसे ही हम मेट्रो में चले तो उन्होंने बोला कि भाई ये जो है ना अनाउंसमेंट होगा कि भाई ये 2 स्टॉप बंद है, आपको फिर अगले स्टॉप पे जाना है। तो अभी 8:30 बजे हैं और हमने अभी मेट्रो से एग्जिट किया है, जा रहे हैं माओ ज़ेडुंग मेमोरियल हॉल पे। बाय वॉक हमें जो है वो 15 से 20 मिनट लग जाने हैं, तो हमारे जो टाइमिंग भी है वो 9:45 बजे, तो इंशाल्लाह तब तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। काफ़ी सारे लोग हैं इस स्टॉप पर, यहाँ पर उतरे हैं, आप देख रहे हैं ये मेन जो है वो रोड हम कह सकते हैं बीजिंग का। यहाँ पर एक मशहूर होटल है बीजिंग होटल के नाम से। अभी आपने रश चेक की, कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे। ठीक है, ये छुट्टियों की वजह से नहीं है, नॉर्मल डेज में भी इतनी रश होती है यहाँ पे, इतने सारे लोग आते हैं माओ ज़ेडुंग मेमोरियल हॉल में, जो है माओ ज़ेडुंग की जो डेड बॉडी रखी हुई है उसको देखने के लिए आते हैं। तो अभी यहाँ पे हम सेंटर पे पहुँच चुके हैं, ये सेंटर पे जो है ना जो मेन जो 3-4 जगह हैं वो आमने सामने हैं। तो ये इस तरफ जो है ये नेशनल म्यूज़ियम है, यहाँ पर मुझे लास्ट टाइम भी जाने का मौका नहीं मिला था, इस दफ़ा भी मैं टिकट चेक करा था, काफ़ी फुल आ रही थी, तो मैं लगा हुआ हूँ कोशिश में, इंशाल्लाह इसकी टिकट मिल जाएगी तो मैं कल परसों तक उसको विज़िट करूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे ये सामने थियानमन स्क्वायर आप देख रहे हैं, सीधा फिर लेफ्ट साइड पे माओ ज़ेडुंग मेमोरियल हॉल है। रश जो आप देख रहे हैं आसपास, ये चारों तरफ से रश है, चारों डायरेक्शन पे वो लोगों को अंदर छोड़ रहे हैं। जब पिछली दफ़ा आए थे तब भी इतनी रश थी, ठीक है वो तो नॉर्मल डेज में आए थे, लेकिन चूंकि आज तो फेस्टिवल है तो आज जो है ना वो नॉर्मल डेज से ज़्यादा रश है। और ये सारे लोग जा रहे हैं चेयरमैन माओ को खराज तहसीन पेश करने के लिए, तो हम भी जा रहे हैं चेयरमैन माओ को खराज तहसीन पेश करने के लिए। तो फाइनली हमारे यहाँ पे इस जगह में एंट्री हो गई है, हम उसको रेड जोन बोल सकते हैं बीजिंग का, चाइना का, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फेमस जो बिल्डिंग हैं, जो जगह हैं वो यहाँ पे हैं, और उनकी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा सख्त है, नॉर्मल डेज में भी इतनी होती है, क्योंकि ये मेन जगह है, तो काफ़ी जो है वो मेरे ख्याल से जो रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे जो चेकिंग होती है ना सख्त वाली, वो उन्होंने यहाँ पे की थी, बैग वगैरह चेक किए खोल के, ये वो पासपोर्ट चेक किए हमारे, और उसके अलावा लाइटर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं, बोला जिसके पास लाइटर है वो वहाँ पर बाहर रख दे, वो एक डब्बा पड़ा तो लाइटर जो है वो डालना था। इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात बता चलूँ कि मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि यहाँ पे जो दूसरी जगहें होती हैं, नॉर्मल जो जगहें होती हैं वहाँ पे पासपोर्ट वगैरह ये हमारे चेक नहीं करते, लेकिन इस तरह की जो जगहें होती हैं उसमें ये पासपोर्ट देखते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल की जगह हैं, इस वजह से यहाँ पे पासपोर्ट चेक होता है। ये
ये लोग बहुत घुमाते हैं हमें यार, वहाँ से सीधे से आ रहे हैं हम, फिर उधर से टर्न मोड़ के फिर जो है वापसी हो, फिर उस जगह पे जाना पड़ेगा, बड़ा घुमाते हैं लोग। तो दोस्तों हम वहाँ तक पहुँच गए थे, दूसरे एक सिक्योरिटी चेक पोस्ट थी, अंदर जाने ही लगे थे, उन्होंने बोला कि भाई आपको ना बैग अलाउ अंदर लेके जाना और आप मास्क के बगैर नहीं जा सकते। तो वापसी अभी हम आए हैं इस तरफ, यहाँ पे बैग रखने की जगह है, यहाँ पे बैग रखेंगे अपना, ये देख रहे हैं आप बैग, ठीक है, तो बैग रखेंगे और मास्क हमने यहाँ पे लिया है, क्योंकि मास्क की वैसे यहाँ पे सख्ती नहीं है तो हम नहीं पहनते, ना ही अपने साथ उठाते हैं, लेकिन आज यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आपको मास्क पहनना है। अजीब रूल है, इनके समझ में नहीं आता, कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं, तो उनके रूल्स वगैरह को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी नए रूल बना देते हैं पता ही नहीं चलता बंदे को। तो यहाँ पे थियनमेन स्क्वायर पे यहाँ पे काफी सारी बिल्डिंग्स हैं मेन, कुछ बिल्डिंग्स मैं आपको बता देता हूँ जो आमने सामने जो चारों तरफ जो है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल, यहाँ पे लास्ट टाइम जो है वो इमरान खान की आपने वीडियो देखी होगी, वो उस बिल्डिंग में आया था, यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह जो होती है वो सारी इस बिल्डिंग में होती है। फिर इसके बाद यहाँ पे ये थियन आनमन स्क्वायर है, और इसके बाद फिर ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ चाइना, और फाइनली ये जो है वो है माओज़ेदोंग मेमोरियल हॉल। तो फाइनली हमने यहाँ पे मेमोरियल हॉल से एग्जिट किया है, अंदर बहुत ही खामोशी थी, अंदर जो सीन था जो मरकजी जो जगह थी वहाँ पे तकरीबन हमने कोई 30 सेकंड गुजारे होंगे, मतलब हम लाइन में जा रहे थे बस देख के, बस दूसरी तरफ से हमको निकलना था, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। जो बंदा मतलब कि कोई भात वगैरह भी करा तो उसको गार्ड ने बोला कि भाई आप भात वगैरह नहीं कर सकते, ठीक है, कुछ भी, मतलब कि बहुत ही अंदर खामोशी थी, सही है। और यहाँ पे काफ़ी लोग रोते भी हैं अभी, तो आज तो मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था तो काफ़ी लोग यहाँ पे रो पड़े थे। अंदर मोबाइल वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं थी, तस्वीरें वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं थी, और कैमरा जो है वो मैं बैग में रख के आया हूँ वहाँ पे लॉकर में, तो अभी ये मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे दूसरी तरफ जब एग्जिट करते हैं तो यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बंदा खींच सकता है, वीडियो वगैरह बना सकता है। तो फाइनली हमने अभी यहाँ से अपना बैग उठाया है, आप देख रहे हैं ये हमने अंदर यहाँ पे रखा था माओज़ेदोंग मेमोरियल हॉल से हम होके अभी हम जा रहे हैं थियन आनमन स्क्वायर के अंदर। तो अभी हमें यहाँ पे एक चाइनीज लड़का मिला है जिसने हमारे साथ तस्वीरें खींची है, और वो आपको कुछ कहना चाहता है, वो हमारा दोस्त बन गया है। हेलो, वेलकम टू चाइना, देयर आर मेनी थिंग्स टू विजिट। अभी हम यहाँ पे थियन आनमन जो टावर है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सामने की तरफ आप देख रहे हैं रोड क्रॉस करके उस तरफ ये झंडा लगा हुआ है, यहाँ पे हर सुबह मॉर्निंग में 5:30-5:30 जो है वो फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, काफ़ी सारे लोग आते हैं, अभी तो छुट्टियाँ थोड़ा रश होता है लेकिन नॉर्मल डे में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे लोग आते हैं मॉर्निंग टाइम पे जब फ्लैग सेरेमनी होती है। ये वैसे जो पूरा इलाका है ये थियन आनमन स्क्वायर के नाम से जाना जाता है, इस जगह को ये थियन आनमन टावर बोलते हैं, और इसके साथ साथ ये जो रोड है ये मेन रोड है, यहाँ पे भी गाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पे जो नेशनल डे जो चाइना का आता है ना 1 अक्टूबर को, और जो नेशनल डे की जो परेड होती है वो इस रोड पे होती है, और उस तरफ लोग बैठ के देख रहे होते हैं। अच्छा, ये चाइनीज़ में जो लिखा हुआ है ना सामने करेक्टर लिखे हुए चाइनीज़ में, इनका मतलब है हज़ारों साल चाइना जिए, हज़ारों साल दुनिया के लोग जिए। हम इस जगह के अंदर आ गए हैं, आप देख रहे हैं ये भी एक तारीखी जगह है चाइना की हिस्ट्री में, बहुत ही एक तारीख रखती है। अभी मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, आपको हिस्ट्री तो ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि मैं आपको ये जगह दिखा सकता हूँ लाइव अपनी वीडियो में। तो ऊपर आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है चाइनीज़ में कुकांग पू यान फॉरबिडन सिटी म्यूजियम। तो अब अंदर की तरफ हम जाएंगे, आपको भी दिखाते हैं। फॉरबिडन सिटी का नाम आपने सबने सुना होगा, शेर ममनुआ, तो वो आज आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कि शेर ममनुआ किस तरह का है। तो फॉरबिडन सिटी की असल में टिकट हमें जो है वो ऑनलाइन नहीं मिली थी उस दिन, हमने काफ़ी कोशिश की बुक हो जाए, हमने सोचा कि काउंटर पे जाके लेंगे, लेकिन काउंटर इनका बंद था, यहाँ पे काउंटर पे हमें नहीं मिली टिकट। तो अभी हमने जो है फॉरबिडन सिटी की टिकट बुक कर ली है, वो कल की नहीं मिली हमें, परसों की मिली है 5 तारीख की। तो इंशाल्लाह 5 तारीख फिर यहाँ पे आएंगे हम, और उसके साथ साथ जो म्यूज़ियम की जो हमारी टिकट थी 4 तारीख की कल वाली, वो भी हमने फिर पोस्टपोन कर दी है 5 तारीख को, दोनों जगह फिर आके यहाँ पे हम घूमेंगे। तो अभी हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी भूख लगी है, 12:30 हुए हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के फिर जाएंगे रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज सुबह को 6 बजे के उठे हुए हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, उसका व्लॉग फिर अलग बनाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बीजिंग के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ जो है वो देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।